ओके सो वी आर लाइव। ओके हाय गाइस, आज आप इस मेरे फेसबुक पेज लाइव पे, मेरे को तो खैर रोज देखते हो, और मेरे साथ है हमारे कश्मीरी कली, इनका नाम है मेनिका हंडू। एंड आई एम श्योर कि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी जो वायरल हो गई हैं। दिदा के नाम से ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और आज मेरे रेड एफएम के स्टूडियोज में आई हैं, ये मेरे शो पे आई हैं एज स्पेशल गेस्ट। ये अपने कॉमेडी के बारे में बात कर रही थी, कॉमेडी से पहले क्या करती थी उसके बारे में बात कर रही थी, तो बहुत सारी बात हम ऑन एयर ऑलरेडी मेरे शो पे कर चुके हैं। अब फेसबुक लाइव में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कॉमेडी कैसी करती है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जिनका मैं आंसर इनसे लेना चाहती हूँ। सो मैंने कहा पहले तो क्या कहना चाहते हो, अपने स्टाइल में सबको ग्रीट करना चाहते हो? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ यहाँ बुलाने के लिए मुझे। अरे इट वाज लवली। हेलो जम्मू, ये पहली दफा मैं जम्मू में किसी रेडियो स्टेशन पे यहाँ बैठी हूँ। एंड वसुधा इज अ ग्रेट ग्रेट कंपनी, हमने बहुत बातें की हैं। आप सबको आपके दिदा का नमस्कार। जम्मू कश्मीरी में है, कश्मीरी जितने भी आपको देखे हैं उनके लिए रेड एफएम बोजन वाले सार नी जेम के लुकन मियो नमस्कार। ओके सो लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू। बेसिकली वो अपने कश्मीरी अंदाज में यू नो ग्रीट कर रही थी कि रेड एफएम के जितने भी लिसनर्स हैं उनको मेनिका की तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से तो नमस्कार मैं रोज करती रहती हूं शो पे भी और पेज पे भी। सो मेनिका टेल मी, व्हेनेवर यू नो आप जो भी ऑब्जर्व करते हो जी उसको आप फिर एक कश्मीरी फॉर्मेट में, एक विजुअल फॉर्मेट में यू नो प्रेजेंट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग समथिंग फनी, कोई फनी वीडियो बनाते हो, कितनी मेहनत उसके पीछे लगती है? ओ आप पूछो मत, कभी कभी मुझे पूरा दिन लग जाता है, 7 से 8 घंटे तो मिनिमम। और क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, तो कॉस्ट्यूम से लेकर, और मैं कुछ लिखती भी नहीं हूँ, मैं कोई पहले से प्रिपेयर नहीं करती, कुछ पंच बनाती हूँ, एक आउटलाइन बनाती हूँ, उसके बाद में सब कुछ जो आप है वहाँ स्पॉन्टेनियस में करती हूँ, तो मुझे बहुत वक्त लग जाया करता है इसमें, 7 से 8 घंटे मिनिमम। और कश्मीरी घरों में क्या क्या होता है? यू नो आई थिंक हर घर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, माँ बेटे में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती है जिसको लेके झगड़े होते हैं, यू नो हस्बैंड वाइफ में होते हैं, तो मेनिका क्या करती है उसको कश्मीरी तरीके से दिखाती है कश्मीरी घरों में क्या होता है, राइट? सो जैसे अभी मैच हुआ है, कल मैच चल रहा था, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, सो उसके ऊपर आपको क्या लगता है कश्मीरी घरों में क्या बातचीत हो रही होगी, क्या बात हो रही होगी, क्या माहौल होगा उस पर थोड़ा सा बता। पहले तो बारिश पड़ी है, हाँ, तो बहुत सारे लोग अपसेट हो गए होंगे क्योंकि मैच रास्ते में रुक गया, बीच में ही रुक गया, राइट। तो सुपरस्टिशन मुझे लगता है हम बहुत अटैच कर लेते हैं ऐसी चीजों के साथ, तो आप मानिए अगर कोई कश्मीरी मदर होगी ज्यादातर ही अपने लड़कों के बालों के पीछे बहुत पड़ जाया करती है कि बाल नहीं काटते हो, ये कपड़े नहीं पहनने थे, इसमें बदबू है। सो अगर कोई कश्मीरी मदर होगी और सुपरस्टिशन के चलते वो अपने बेटे को क्या बोलेगी, मैंने आपको कहा था ना ये टी शर्ट मत उतारो मत उतारो, आपने उतारी, देखो पड़ गई बारिश। मीनू आपको मैंने बोला था बाल काटो, 10 दिन से मैंने काटा मगर आप तब नहीं रुकी, आपको भी कल ही काटने थे ये बाल, देखो पड़ गई बारिश, रुक गए ना मैच, अब एक दिन और टेंशन लेनी है। सुपर्ब सुपर्ब। सो ऐसा ये करती रहती है अपने वीडियोस के साथ, आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी जो मिलियन में भी गई है, वन ऑफ योर वीडियोस इट हैज टच्ड 1 मिलियन। द जुलुमगार हश जी, जुलुमगार हश। सो जो मदर इन लॉज थोड़ी ज्यादा क्रूअल होती हैं, आई थिंक उनके ऊपर ये बनाया गया है, बट स्वीट वाली भी होती हैं तो उसके ऊपर भी आप कुछ बनाएंगी? उसके ऊपर भी मैं बनाया है, उसके ऊपर भी बहुओं के ऊपर मैंने बनाया है, ड्रग अब्यूज के बारे में मैंने बनाया है, दैट्स नॉट अ रीसेंट वन, लास्ट ईयर प्रोबेबली, रीसेंट मैंने केबीसी का स्पूफ बनाया था, तो वो पता उसमें मैंने उसका टाइटल दिया था कुछ गेस बजा बजा, हम कश्मीरी में बोलते हैं जो ब्लेस हो जाए, कौन हू इज द नेक्स्ट वन द लकी वन टू गेट ब्लेस्ड, सो वो मैंने, वो दैट वाज द रीसेंट वन। तो ज्यादातर जो मेरा कंटेंट होता है वो सोशल इश्यूज के ऊपर होता है, बट आई मेक इट वेरी फनी ताकि लोग रिलेट भी कर सके, एंटरटेन भी हो सके और थोड़ी अवेयरनेस भी हो। और स्टार्टिंग से आपको कैसा रिस्पांस मिला? आई मीन आई एम श्योर कि व्हेनेवर एन आर्टिस्ट कोई भी अपना काम स्टार्ट करता है तो एकदम से तो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आपके केस में कैसा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने रिकॉग्निशन के लिए किया भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था मुझे अपनी जबान से बहुत मोहब्बत है, तो अपने कश्मीरी कल्चर से बहुत मोहब्बत है, उसको प्रमोट करने के लिए मैंने किया था, और जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों का बहुत बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, तो मैं आप फॉलोइंग की बात करते हैं तो मैंने अपना फेसबुक पेज जो है अश्विन कश्यप उसमें कुछ मेरे ख्याल 200 फॉलोअर्स थे पहले 2 महीने तक, तो टुडे वी आर 58,000 प्लस। और फेसबुक पे भी और बाय द सेम नेम, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, चैनल का नाम है अश्विन कश्यप, ASVUNKOSHUR। आप भी मुझे शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ
अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मत कहना आपको पता नहीं था. हाँ. मत कहना बताया नहीं. सो दैट्स समथिंग दैट यू नो आपको नॉर्मली दैट्स अ कश्मीरी एक्सेंट जो बीच में आई जाता है. आई थिंक जितनी भी लोकल लैंग्वेज होती है उन सबका अलग अलग एक्सेंट होता है जो बोलते वक्त बीच में व्हेनेवर यू स्पीक इन योर यू नो लोकल लैंग्वेज वो कहीं ना कहीं आ जाता है. बट आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. थैंक यू. और मैं ये भी यू नो आपके थ्रू बिकॉज आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू नो बहुत सारी फनी वीडियोज अपलोड करते हो, अगर कोई सोशल मीडिया का यू नो इस तरीके से यूज करना चाहता है उनके लिए क्या टिप्स है आपके? देखिए मैं ये कहूंगी आपको, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है उसको दबा के मत रखिए, उसको छुपा के मत रखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आजकल जो है ये बहुत आसान हो गया है. Right. जैसे मैंने भी अपने आप को खुद ही लॉन्च किया था, मेरी भी कोई जान पहचान नहीं थी, मैं किसी टीवी पे नहीं गई थी ये करने के लिए. mm-hmm. और आप देख ही रहे हैं आप लोगों की वजह से, आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से चैनल काफी आगे पहुंच गया है. तो अगर आप में कोई टैलेंट है, चाहे एक्टिंग हो, आप गाना गाते हैं, कुछ इश्यूज पे आपकी कुछ स्ट्रांग ओपिनियंस हैं, तो उसको पॉजिटिवली यूज करें, नफरत ना फैलाएं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा करें इसमें से, जिससे लोगों की भी मदद हो और आपको भी खुशी मिले. तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है इसके साथ, कुछ कहते हैं लोग ऐसे पॉजिटिविटी आती है, क्रिटिसिज्म है, कुछ लोग लिखते हैं जो अच्छा नहीं लगता पढ़ के, मगर मुझे लगता है वक्त के साथ आप समझ जाते हैं कि इस चीज को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो प्यार और सपोर्ट और इज्जत मिलती है वो बहुत ज्यादा है. क्या बात है, क्या बात है. सो इन्होंने अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल की बात कर ली है, अश्विन कशिर. मैं थोड़ा सा उसका मीनिंग आपको बता देती हूँ सिंस आई एम ऑल्सो कश्मीरी. तो नाम जो चैनल का रखा है दैट इज हंसता खेलता कश्मीरी. अश्विन इज बेसिकली जो इंसान को हंसना खेलना बहुत अच्छा लगे, यू नो विद अ स्माइल ऑन द फेस या लाफिंग नेचर जिनका होता है. सो आई थिंक बिल्कुल सूट करता है जो आप काम करते हो उसके साथ भी सूट करता है अश्विन कशिर. तो जिन्होंने ऑलरेडी इनका काम देखा है वो तो इनको फॉलो कर ही रहे हैं, बाकी जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो फॉर दैट एंटरटेनमेंट डोज, उस डोज के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच मेनका, आज आप यहाँ पे आए, इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद यू. थैंक यू सो मच. और कॉमेडी तो ये फैंटास्टिक करती है, वो आपने देखा है, इसका छोटा सा टीजर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, शो पे सुना दिया. सो गाइज गो एंड फॉलो, देखिए क्या क्या काम करती है ये. एंड कुछ कहना चाहते हो जाते जाते जम्मू वालों को? खुश रहिए, अश्विन रहिए, स्टे अश्विन. Stay Aswin, keep smiling. Yes, that's the main thing. अपने चेहरे पे smile रखो, बाकी दिन जो है वो ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाता है. And yes, अभी बहुत सारे लोग, people are commenting. Atul Jindial, आप क्या, you're sending flowers also. Okay, thank you for that. Veer Karam says good afternoon. Good afternoon, जी, good afternoon. Okay, so a lot of people commenting. अब जाके लोग join in कर रहे हैं धीरे धीरे. But मेरे को ये Facebook live यहाँ पे रोकना पड़ेगा because मेरा show चल रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी show पे कौन बात करेगा? So आप मुझे live अभी catch कर सकते हो show पे. Super Hits 91.9 Red FM is the frequency. जो बहुत सारे लोग already show सुनते हैं, जो अभी अभी you know जिन्होंने अभी Facebook page पे मुझे follow करना start किया है, तो इस frequency पे आप मेरा show अभी सुन सकते हैं. Show चल रहा है. बहुत कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के साथ आने वाली हूँ. एंड मेनिका के साथ आज जो मेरी स्पेशल गेस्ट थी वो मेनिका थी. मेनिका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, आपका चैनल आगे बढ़ता रहे, लोगों को आप एंटरटेन करते रहे. एंड यस गाइस, अगर आप भी कुछ ऐसा मेनिका की तरह क्रिएटिव कर रहे हो इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और जो आपका काम है वो मेरे साथ शेयर करना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. सो अभी शो पे मिलते हैं, बाकी की बातचीत वहां पे करते हैं. बाकी सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम आप ऐसे ही फॉलो करते रहो सुपर हिट गानों के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए. एंड यस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे.